Nikita Pandey. I am a software trainer. You're welcome in our Stat Pro Advanced Tutorials. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी बीम की डिजाइनिंग और पोस्ट प्रोसेस, पहले पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिजाइनिंग करेंगे और देन रिपोर्ट रेडी करेंगे. ओके, हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में सीख चुके हैं कि कैसे हम किसी बीम को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, लोड कैसे अप्लाई करते हैं, सपोर्ट कैसे असाइन करते हैं. ठीक है, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा. अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. ये आपके सामने कुछ इस तरह से बीम बनी हुई है, जिसमें हम लोड प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में हम इस बीम को बना चुके हैं. इस आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि हम कैसे इस बीम को ड्रॉ किए हैं, कैसे सपोर्ट असाइन किए हैं, इसमें लोड कैसे अप्लाई किए हैं, इसकी एनालिसिस कैसे किए हैं. ठीक है, इसे एनालाइज कैसे किए हैं. एंड देन आज हम बात करते हैं इस बीम की पोस्ट प्रोसेसिंग. ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है पहले हम ये बताते हैं. जैसे आप कोई बीम बना लिए, बीम बनाने के बाद उस बीम पे कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, कितनी रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे हमें आपको पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड देन ये सेलेक्टेड है, इसको अवेलेबल करते हैं, देन दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं. ओके, देखिए जैसे अप्लाई ओके करते हो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल एक्स वाई ये सारी डिटेल दे रखी है, रोटेशन दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए चेक करने के लिए. यहाँ पर वापस यहाँ पर एनिमेशन है, एनिमेशन पर क्लिक करते हैं. यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन चेक करना चाहते हो अगर आप, तो डिफ्लेक्शन पर क्लिक करो, अप्लाई करो एंड देन ओके करो. देखो बहुत ही माइनर रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि हमें शो नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर यहाँ से वापस आते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर सेक्शन डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहते हो यहाँ पर अप्लाई करो एंड देन ओके करो. ठीक है, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं. वापस यहाँ पर बीम ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए शियर फोर्स दे रखा है और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, एंड ऑल्सो बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लोड 1 और लोड 2 के कारण यहाँ पर, और कितना लोड 1 पर और 2 पर कितना यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब आपके लोड 1 के कारण इतने मीटर डिस्टेंस पर इतना शियर फोर्स और इतना बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. ओके, ऐसे ही यहाँ पर लोड 2 के कारण इतनी मीटर डिस्टेंस पर 0 मीटर, 1.25 मीटर, 2.5, 3.7 एंड 5 मीटर की डिस्टेंस पर इतने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ से इसकी स्टडी कर सकते हो. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी फुल स्क्रीन करते हैं. यहाँ पर करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करना चाहते हो तो कंट्रोल और साथ में अपने माउस की जो व्हील है आपकी उसको थोड़ा सा रोटेट करो. ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से इसे देख सकते हो जूम. ठीक है, ये आपके फोर्सेज हैं. वापस आते हैं हम स्ट्रेस पर. अगर आप स्ट्रेस चेक करना चाहते हो अपने बीम की, तो देखो कुछ इस तरह से आप स्ट्रेस चेक कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर करना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो. अगर आप यहाँ से भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप चेक कर सकते हो. देखो हम यहाँ पर किए 0.50 मीटर पर, 0.54 पर, तो यहाँ पर देखिए 0.54 पर यहाँ पर स्ट्रेसेस शो हो रहा है. यहाँ पर सपोज हम करते हैं 1.5 पर चेक करना चाहते हैं, तो देखिए 1.5 पर इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो रहा है, शो हो रहा है. ठीक है, आप इसे जितने पर देखना चाहते हैं वो आप जितने मीटर पर यहाँ पर सेलेक्ट करो, या फिर यहाँ पर सीधा क्या करो, डेटा फिट करो. ठीक है, तो भी आप यहाँ से देख सकते हो. ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देखना चाहते हो कि ग्राफ किस तरह से बनता है, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, ग्राफ बनेगा. ठीक है, देखिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आप सोम में और कितना सारा प्रोसेस कर जाते थे आप लोग से, कि 2 से 3 पेजेस, एक दो पेजेस अगर बड़े न्यूमेरिकल हैं तो आपको कितने ज़्यादा पेज और कितना ज़्यादा इसमें जो है कि कैलकुलेशन करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कि लोड अप्लाई करना हुआ, सपोर्ट बताने हुए कि कौन से सपोर्ट हैं, और सेक्शन डिफाइन करना हुआ कि कितना कौन सा सेक्शन है, कितना कौन सा सेक्शन है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है,
ये आपकी कौन सा जो है कि बी में आपकी टी है कौन सी है, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन किया, जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन किया बस ये सारी चीज़ें बस करनी पड़ी, और देखिए आपका रिजल्ट रेडी। ठीक है, यहाँ पर वापस आप रिजल्ट पे आकर चेक करना चाहते हो सारी चीज़ें, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैसे क्या है। जैसे बेंडिंग मोमेंट, हम बेंडिंग मोमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्लिक किए, डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर देखिए, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन भी हमारा शो हो रहा है। वापस हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं जैसे बीम स्ट्रेसेस, तो देखिए हमारा बीम स्ट्रेसेस भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए कुछ इस तरह से। ओके, और जो जो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर चेक करते हो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, शो होती हैं। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो जैसे शियर फोर्स, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा शियर फोर्स, वाई डायरेक्शन, देखिए ये ब्लू कलर वाली लाइन जो अभी बनी है, ये ब्लू कलर वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली शियर फोर्स इन जेड डायरेक्शन, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन, देखिए आप इस तरह से कुछ चीज़ें अपनी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वापस मॉडलिंग में आते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन की बातें करते हैं। ठीक है, कि हम इस बीम की कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर आते हैं, देखिए आपका मटेरियल कौन सा था, कंक्रीट, तो कंक्रीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कंक्रीट का जो इस समय करंट कोड है IS456, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पैरामीटर, हम यहाँ पर आते हैं, सारे पैरामीटर जो भी सिलेक्टेड थे इनको अवेलेबल करते हैं। आप यहाँ से जो जो पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं उन सारे पैरामीटर्स को आप यहाँ पर चेक कर लो, जैसे FC, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉर मेन रेनफोर्समेंट। वापस आते हैं यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है, और ऐसे ही एक और डेटा ले लेते हैं, मिनिमम साइज रिक्वायर्ड फॉर मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, जैसे हम बताते हैं आपको वापस इधर कर, जैसे आपका मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट है, या तो इसको सेलेक्ट कर डबल क्लिक कर दो, एक क्लिक और करो तो इधर ऑप्शन हो जाएगा, या फिर इसको सेलेक्ट कर सिंगल एरो पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम, इसके बाद ओके करते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट पैरामीटर करते हैं वैसे हम डिफाइन पैरामीटर्स पे आते हैं, और डिफाइन पैरामीटर्स पर देखिए FC मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यहाँ पर कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट सेट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पर इस बीम पर M15 की कंक्रीट यूज़ करना चाहते हैं, तो M15 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट यहाँ पर जो यूनिट है कौन सी है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। FY मेन, यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ डेटा ऑलरेडी इनपुट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, FE, हम सपोज FE415 की ग्रेड की स्टील यूज़ करना चाहते हैं, तो FE415 ग्रेड की जो स्टील है उसकी FY कितनी होगी, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट है वो किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए दोबारा हम 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं मैक्सिमम मेन, यहाँ पर आपसे डेटा पूछ रहा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, मतलब आपकी जो ये बीम है इसमें आप मैक्सिमम साइज की मेन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हो, तो हम यहाँ पर सपोज 16 mm कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट फॉर मेन रेनफोर्समेंट, आपकी मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो सपोज हमारी 10 है, बाय डिफॉल्ट सेट है, चेक है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वापस हम इसको यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं, जितने भी हम पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन किए यहाँ पर शो हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क के रूप में। अब हम एक एक करके सभी को असाइन टू व्यू करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस मेंबर पर असाइन टू व्यू करते हैं। ओके, असाइन, यस, एंड देन FY मेन भी, इसको क्या करते हैं, असाइन टू व्यू, इसको भी असाइन, यस, और फिर मैक्सिमम जो आपकी रेनफोर्समेंट की डाया है उसको भी असाइन टू व्यू करते हैं, असाइन करते हैं, यस, और यहाँ पर भी इसको असाइन टू व्यू, असाइन, यस। ओके, इस तरह से हम असाइन कर लेते हैं। वापस आते हैं कमांड्स पे, देखिए डिज़ाइन बीम हमारी ये बीम है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पर टेक ऑफ को ले लेते हैं। ओके, ऐड कर देते हैं, डिज़ाइन कॉलम और डिज़ाइन स्लैब या एलिमेंट इन दोनों को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पर बीम है, कॉलम है नहीं, और डिज़ाइन स्लैब एलिमेंट इसको भी हम रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है स्लैब नहीं है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ बीम है। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं,
वापस यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, देखिए हमारी डिज़ाइन बीम जो है इसको हम क्या करते हैं, असाइन टू व्यू करते हैं और इसको असाइन करते हैं, यस करते हैं, ओके। और यहाँ पर जो टेक ऑफ हमने ले रखा था, कंक्रीट टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब पहले हम समझाएंगे आपको। टेक ऑफ इट मीन्स अगर कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो रह गए हों, छूट गए हों, आप असाइन ना कर पाए हों, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी आप क्या करेगा, असाइन कर लेगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है उसे अपने अकॉर्डिंग असाइन कर लेगा। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एनालिसिस प्रिंट हम कर चुके हैं, तो दोबारा एनालिसिस प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। वापस हम यहाँ पर आते हैं, एनालाइज पर रन एनालिसिस करते हैं, या फिर आप कंट्रोल F5 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव करते हैं और ये देखिए हमारे कुछ इस तरह से जीरो एरर है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, व्यू आउटपुट फाइल, इट मीन्स अगर रिपोर्ट चाहिए आपको तो यहाँ पर आप व्यू आउटपुट पर चेक कर सकते हैं। अगला है गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अगर आप प्रोसेसिंग मोड, हमने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि प्रोसेसिंग मोड का मतलब क्या है, अगर आप शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारे रिजल्ट देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर चेक करो, विदाउट रिपोर्ट आप सीधा प्रोसेसिंग मोड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। स्ट्रेन मॉडलिंग मोड, मॉडलिंग मोड यही जहां आप काम कर रहे थे, अगर आप इसी एरिया में, इसी वर्किंग एरिया पर रहना चाहते हो तो आप इसके ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। तो हम रिपोर्ट में चाहिए तो हम व्यू आउटपुट फाइल पर करते हैं, डन करते हैं। अब इस तरह से देखिए आपका रिपोर्ट रेडी हो गया, अभी रेडी हो रहा है, ठीक है। चार पेज का पर रिपोर्ट है, यहाँ पर रेडी हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे, स्टैट प्रो V8i सेलेक्ट 06, मतलब यहाँ पर जो आपके ऊपर शो हो रहा है ये कौन से वर्जन पर आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, ये चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाया है ये चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। कौन सा वर्जन, कौन सा सॉफ्टवेयर पर ये, और कौन सी जो है कि ये प्रॉपर्टी कौन है, प्रोग्राम कौन सा है, बेंटले सिस्टम का है, डेट किस डेट को बनाया है, किस टाइम बनाया है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र आईडी, जो भी इंजीनियर की यूज़र आईडी होगी वो यहाँ पर शो होगी। फिर हम यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स है, मेंबर इंसिडेंस है, डिफाइंड मटेरियल स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्क्रीट है, पॉइजन रेशियो 0.17, ये सारी डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है इसने खुद पर खुद ले लिया है। ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का यही बेनिफिट है कि हमें कोई भी चीज़ इसमें इनपुट नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए सपोर्ट है 1 और 2 दोनों क्या है, फिक्स सपोर्ट है, लोड 1 लोड टाइप डेड लोड है, जिसका हमने टाइटल क्या डाला था, DL, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। फिर वापस यहाँ पर आते हैं, सेल्फ वेट देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है कि हम कितना क्या क्या वेट यहाँ पर कितना लोड लिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्फ वेट था हमारा Factor 1 लिए हैं, Unit 1 जो लोड था हमारा वो कौन सा था, यूनिफॉर्म था, कितने का था, -4 kN/m, और पॉइंट लोड देखिए 5 का था, कितने डिस्टेंस पर था, 2.5 पर, ये सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा प्रॉब्लम स्टैटिक्स क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओरिजिन फाइनल बैंडविड्थ कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ से आपकी देखिए बीम की रिजल्ट, बीम नंबर 1 उसके सारे रिजल्ट हैं यहाँ पर। देखिए हमने M15 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ की थी, ठीक है, और FE 415 की हमने स्टील यूज़ किया था, ठीक है, मेन और सेकेंडरी दोनों। देखिए साइज़ यहाँ पर हमने, आपको याद होगा हमने 0.23 0.25 हमने मीटर में लिया था, सेक्शन डिफाइन किया था, तो देखिए यहाँ पर साइज़ ऑटोमेटिक ये 230 mm इसने mm में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर कवर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे कि कवर क्या होती है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ये जो है कि 25 mm का क्लियर कवर कर लिया है। लेंथ हमारी कितनी है, हमने 5 मीटर एंटर किया था, तो ये 5000 mm में, ठीक है। ये सारी जो कैलकुलेशन इसने किस में किया है, mm में किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समरी है, इस तरह से आप देख सकते हो, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पर भी है आपकी समरी थोड़ी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि 2 legged है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एट द रेट कितना 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा जो रिपोर्ट होता है इसकी द एंड होती है। यहाँ पर देखिएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है, 0.3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए बार डायमीटर 8, 10, 12 इसने अपने आप ले लिया, जिसका वेट इतना है और टोटल वेट 238 mm है, ठीक है। और इस तरह से हमारा यहाँ पर फिनिश क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, किस डेट को बनाया है, किस टाइम को बनाया है, कौन से सॉफ्टवेयर पर काम किया, कौन सा वर्जन है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे स्टैट प्रो हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे सॉफ्टवेयर के एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे ऑटोकैड, टैली, एक्सेल, पाइथन, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं इजी वे में। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।